गुरु प्यारी सात संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी जपजी साहिब की 18वीं पौड़ी विचों समझन का यतन करांगे कि इस पौड़ी विच गुरु नानक देव जी सानू की उपदेश देना चाहते हैं। आओ सरवण करते हाँ। 18वीं पौड़ी की पहली पंक्ति विच गुरु नानक देव जी लिखते ने, असंख मूरख अंध कोर। इस पंक्ति का अर्थ है कि उस अकाल पुरख की बनाई हुई सृष्टि के विच अनगिणत लोग ऐसे हैं जिहड़े महामूरख हैं। अगली पंक्ति विच गुरु नानक देव जी लिखते ने, असंख चोर हराम खोर। ते अकाल पुरख की बनाई हुई इस सृष्टि के विच अनगिणत लोग ऐसे भी ने जिहड़े चोर ने। ते वो चोर की करते ने, वो पराया माल या पराई चीज अपने फायदे लई वरत रहे ने या उहदा इस्तेमाल अपने फायदे लई कर रहे ने, जबकि वह चीज़ उन्हां दी नहीं है। असंख अमर कर जाहे जोर। इस पंक्ति दा अर्थ है कि अनगिणत लोग ऐसे ने जिहड़े दूजियां दे उत्ते हुकम करके, दूजियां दे उत्ते जबरदस्ती करके या दूजियां दे उत्ते अपना ऑर्डर करके इस संसार तों चले जांदे ने। असंख गल वड हत्या कमाहे। इस पंक्ति दा अर्थ है कि अनगिणत मनुख ऐसे ने जिहड़े दूजियां दा गल वड के हत्या कर रहे ने, पाओ ओ मर्डरर्स ने। असंख पापी पाप कर जाए। अनगिणत लोग ऐसे ने जिहड़े कि इस संसार दे विच पाप कमा के इस संसार तो तुर जांदे ने। अगली पंक्ति विच गुरु नानक देव जी लिखते ने, असंख कुड़ियार कूड़े फिराहे। इस पंक्ति का अर्थ है कि संसार विच अनगिणत मनुख ऐसे भी ने जिन्हां दा स्वभाव झूठ बोलना है, ते ओ झूठ बोलते ने ते झूठ विच ही रुझे पै रहिंदे ने। अगली पंक्ति विच गुरु नानक देव जी लिखते ने, असंख मलेच मल पख खाए। इत्थे मल तो पाव है ना खाण वाली वस्तु या ना खाण वाला पदार्थ। कई मनुख ऐसे भी ने जिहड़े कि जो चीज़ खाण वाली नहीं है उस चीज़ नूं भी हाबड़िया वांग खाई जांदे ने। गुरु नानक देव जी लिखते ने, असंख निंदक सिर करह पार। ते अनगिणत लोग ऐसे भी ने जिहड़े कि निंदा कर रहे ने, ते निंदा करके अपने सिर ते उस निंदा दा पार चक रहे ने। नानक नीच कह विचार। इत्थे गुरु नानक देव जी अपने आप नूं नीच कह के संबोधन करते ने। इत्थे गुरु नानक देव जी दा डाउन टू अर्थ नेचर सानू पता लगता है। गुरु नानक देव जी लिखते ने कि मैं ते नीच हाँ जो मैं ये विचार आप जी अगे पेश कर रहा हाँ, वारिया ना जावा एक वार। इसका अर्थ है कि मैं उस अकाल पुरख की बनाई हुई कुदरत दे उत्ते अपने आप नूं एक वारी भी वारन दे समर्थ नहीं हाँ। जो तुद पावे साई पलीकार। हे अकाल पुरख परमात्मा, जिहड़ा काम तैनू चंगा लगता है उही काम ठीक है, पाओ तेरी रजा विच रहना ही सही है। तू सदा सलामत निरंकार। ते हे अकाल पुरख परमात्मा, तू सदा ही थिर रहने वाला है ते तू सलामत है। ते अकाल पुरख परमात्मा की है ते वो निरंकार है, पाओ उसका कोई आकार नहीं है। सात संगत जी, अगली पौड़ी दे विच भी असी इस लड़ी नूं अगे वधावांगे ते समझन दा जतन करांगे कि इस संसार दे विच होर किन्ने प्रकार दे मनुख ने, ते उन्हां मनुखां बारे जान के असी सुचेत हो सकते हाँ। ते अगली वीडियो नूं देखना ना भुलना जी। जे तुहानूं इह वीडियो पसंद आई ते इहनूं अगे शेयर करो तां जो गुरबाणी दे अर्थ होर लोकां तक भी पहुँच सकन। भुल्लां चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।